बहुत ही तगड़ा इवेंट आया भाई हमारे गेम के अंदर जिसका नाम है ड्रैगन फेस्टिवल। आज की वीडियो में हम लोग ड्रैगन फेस्टिवल से रिलेटेड सारी चीजें देखने वाले हैं, कौन कौन से न्यू ट्रूप्स, कौन कौन से नए हीरो इक्विपमेंट और कौन सी न्यू करेंसी हम लोग गेम के अंदर मिलने वाली है और कैसे इस्तेमाल करना है। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये रहने वाला है हमारा तीसरा इवेंट, मैशअप मैडनेस और कुकी रंबल के बाद का तीसरा इवेंट ड्रैगन फेस्टिवल टाउन हॉल 8 प्लस के लिए होने वाला है। 8 और उसके ऊपर जितने भी बंदे हैं टाउन हॉल 9 10 11 फिर 16 तक सभी लोग इस इवेंट का मजा उठा पाएंगे। लिमिटेड टाइम के लिए कुछ न्यू करेंसीज मिलने वाली है, लिमिटेड टाइम के लिए कुछ नए ट्रूप्स मिलने वाले हैं और एक परमानेंट एपिक लेजेंडरी हीरो इक्विपमेंट हम लोगों को मिलने वाला है इस इवेंट के दौरान। तो आप सभी लोगों को ट्रेडर के पास, ये देखो ये ट्रेडर है, ट्रेडर के बाजू में आप लोगों को मिलेगा ड्रैगन पेंटा जिसके अंदर हम लोग ड्रैगन फेस्टिवल के रिवॉर्ड्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस दो टीयर के रिवॉर्ड्स रहने वाले हैं, जैसे हमारे गोल्ड पास के अंदर सिल्वर पास के नीचे वाले रिवॉर्ड्स फ्री, ऊपर वाले गोल्ड पास के प्रीमियम रिवॉर्ड्स रहते हैं, वैसे यहाँ पे भी जो नीचे वाला टीयर है वो फ्री रिवॉर्ड का टीयर रहने वाला है और जो ऊपर वाला रिवॉर्ड का टीयर है वहां पे आप लोगों को इवेंट पास खरीदना पड़ेगा। और अगर आप लोग इवेंट पास या फिर कोई भी हीरो की स्किन खरीद रहे हो, टोटल 4 न्यू हीरो के स्किन्स आने वाले हैं चारों हीरोज के लिए, तो आप लोग शॉप के अंदर जाके सी के ऊपर क्लिक करके C4Sumit007 डाल के मेरे को गेम के अंदर भी सपोर्ट कर सकते हो। यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब करके बहुत सपोर्ट कर दिया, गेम के अंदर भी कर सकते हो। अब भाई साहब ये रिवॉर्ड पॉइंट्स कंप्लीट कैसे करें? सीजन चैलेंजेस में तो आप लोगों को वो ग्रीन कलर का एलिक्सर मिलता है जो कि हम लोग कुछ चैलेंजेस कंप्लीट करते हैं तो मिलता है, तो यहाँ पे कैसे मिलेगा? यहाँ पे सिंपल, ये देखो रेड इनवलप दिख रहा है ऊपर कोने में 1100, देखो वो जो रेड इनवलप है जैसे जैसे वो आप जितने कलेक्ट करोगे वैसे वैसे ये रिवॉर्ड्स अनलॉक होते जाएंगे। अभी 1100 है तो 1100 पे ये 1100 तक के सारे रिवॉर्ड्स अनलॉक कर चुका है। जैसे हमारे पास रेड इनवलप आएंगे वैसे 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 आप लोग एंड तक के सारे रिवॉर्ड्स कलेक्ट कर सकते हो। अब ये रेड इनवलप जो ऊपर है ना 1100 लिखा हुआ, वो रेड इनवलप आपको कहां से मिलेगा? जब आप लोग मल्टीप्लेयर के अंदर अटैक करोगे, मल्टीप्लेयर अटैक के अंदर ओपोनेंट का जो बेस होगा, ओपोनेंट के बेस के ऊपर जो सीसी रहेगी क्लैन कासल और ग्रैंड वार्डन का वो जो पैड रहता है ना अल्टर, उसको जब आप लोग फोड़ोगे वो दो चीजों के अंदर आप लोगों को मिलेगा रेड इनवलप। और जितने रेड इनवलप हो जाएंगे वैसे वैसे ये पॉइंट्स आपके खुलते जाएंगे। उसी के साथ देखो गाइस यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा ड्रैगन मेडल, एक नया करेंसी। CWL का मेडल हो गया, कुकी मेडल हो गया और मैशअप मैडनेस के अंदर भी एक मेडल था, तो यहाँ पे हम लोगों को ड्रैगन मेडल मिलने वाला है। ये ड्रैगन मेडल के साथ आप लोग ट्रेडर के अंदर जाके अलग अलग आइटम्स खरीद सकते हो। अगर आप लोगों के पास बहुत सारे जेम्स है मेरी तरह तो आप लोग डायरेक्ट रेड इनवलप बिना कलेक्ट करे जेम्स के साथ सारे के सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ से अनलॉक कर सकते हो और जितने भी यहाँ के रिवॉर्ड्स हैं उनको जल्दी से कलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ से कलेक्ट करता हूँ और मैं आप लोगों को बताऊँगा इवेंट पास खरीदने से आपको कितने ड्रैगन मेडल्स मिलेंगे और नहीं खरीदोगे तो आपको कितने ड्रैगन मेडल्स मिलेंगे। तो देखो भाई हम लोगों ने सारे रिवॉर्ड्स यहाँ पे फिलहाल तो अनलॉक कर लिए हैं, अभी हम लोग सिल्वर पास मतलब नीचे के फ्री टीयर के रिवॉर्ड्स अनलॉक करेंगे। ठीक है भाई, ये सारे फ्री टीयर के हम लोग रिवॉर्ड्स अनलॉक करेंगे। कम ऑन कम ऑन, यहाँ से टोटल आपको गाइस 3100 ड्रैगन मेडल्स मिलेंगे फ्री टीयर रिवॉर्ड्स से। देखो भाई ये नीचे वाला फोकट का रिवॉर्ड है और लास्ट में आपको ड्रैगन पिंटा का एक वो मिलेगा, कहाँ चला गया, ये रहा स्टैचू मिलेगा। ये लो भाई दो दो ड्रैगन पिंटा हमारे पास यहाँ पे हो चुके हैं। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो ट्रेडर के पास यहीं से जा सकते हैं। 3100 मिलेंगे आपको फ्री टीयर के ड्रैगन मेडल जिससे कि आप लोग इजीली यहाँ से ट्रेडर के अंदर आगे फ्रोजन एरो जो कि लेजेंडरी हीरो इक्विपमेंट होने वाला है उसको खरीद सकते हो। मतलब ये लेवल 27 पे मैक्स होगा क्योंकि ये एपिक हीरो इक्विपमेंट है, लेजेंडरी है। हम लोगों ने फ्री टीयर के सारे रिवॉर्ड्स अनलॉक कर लिए। अब देखो यहाँ पे ना एक ऑप्शन है रिवॉर्ड लिस्ट करके, यहाँ पे है क्लेम्ड, हम लोगों ने सिर्फ फ्री टीयर के अनलॉक करे हैं, नीचे वाले टीयर के रिवॉर्ड्स अनलॉक करे। तो यहाँ पे देखो अपने को मिला क्या क्या है, ट्रूप्स ये तो गाइस सबको मिलने वाला है। तो टोटल ड्रैगन मेडल्स 3100 मिलेंगे अगर आप लोग नहीं खरीदते हो प्रीमियम वाला वर्जन। यहाँ पे 5000 शाइनी और मिलेंगे, 400 आपको मिलेंगे ग्लोई और स्टारी और आपको एक भी नहीं मिलने वाला फ्री वाले टीयर रिवॉर्ड के अंदर। और अभी हम लोग अनक्लेम्ड रिवॉर्ड्स में जाएंगे तो ये रिवॉर्ड्स रहने वाले हैं इवेंट पास के रिवॉर्ड्स जो हम लोगों ने कलेक्ट करे ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा 5000 ड्रैगन मेडल्स मिलेंगे, 600 ग्लोई और मिलेंगे और 80 स्टारी और मिलेंगे और एक स्टैचू भी मिलने वाला है बेबी ड्रैगन स्टैचू गोल्डन। सारे रिवॉर्ड्स हम लोगों ने कलेक्ट कर लिए, टोटल 8100 ड्रैगन मेडल्स हो गए। फ्रोजन एरो हम लोग यहाँ से करेंगे दोस्तों कलेक्ट, इसको कर लिया हम लोगों ने कलेक्ट। और अभी हम लोग जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे ये देखो भाई फ्रोजन एरो हम लोगों को मिल चुका है, आएंगे इसके ऊपर। ये लो लेवल 15 है हमारे पास और ये आपका लेवल 1 पे अनलॉक होगा, ये डेवलपर सर्वर है इसके अंदर लेवल 15 हो चुका है।
तो भाई देखो इसके स्टैट्स के अंदर ही लिखा हुआ है, ये स्लो डाउन कर देगा भाई डिफेंसेस को नहीं, बिल्डिंग्स को बेसिकली। जैसे ये आर्चर क्वीन अपना बाण मारेगी स्लो हो जाएंगे वो डिफेंसेस। कितने सेकंड के लिए, ये लेवल 15 का है, 2 सेकंड के लिए स्लो डाउन हो जाएगा और 55% उसका जो डैमेज है, उसका जो स्पीड है डिफेंस का, वो कम हो जाएगा। जब फ्रोजन एरो को आप लोग अनलॉक करोगे रहेगा तो वो लेवल 1 का, लेकिन लेवल 27 तक पहुंचने के लिए आप लोगों को कितने ओर्स चाहिए पता है? वो मैंने कैलकुलेट करे है। ये जो देखो ब्लू कलर के ये जो हमारे शाइनी ओर्स है, ये 56,060 टोटल आप लोगों को शाइनी ओर्स चाहिए होंगे। उसके बाद ग्लोई ओर्स आपको चाहिए होंगे 3,720, और ये जो येलो कलर के ओर्स है स्टारी ओर्स, ये आप लोगों को 480, 56,000, 3,720 और 480, इतने टोटल आपको ओर्स चाहिए होंगे लेवल 1 से लेवल 27 करने के लिए। और फिलहाल मैंने यहाँ पे फ्रोजन एरो को मैक्स कर लिया है लेवल 27 का, और ये स्लो डाउन करेगा भाई 75%, मतलब 3/4 फ्रीज कर देगा, स्लो डाउन कर देगा 3 सेकेंड के लिए, स्लो डाउन कर देगा और 75%, मतलब आर्चर टावर 100 का डैमेज कर रहा है तो भाई साहब उसको स्लो डाउन करके भाई सिर्फ 25 का डैमेज करने पे मजबूर कर देगा। पावर देखो भाई मैक्स लेवल फ्रोजन एरो की, ठीक है ये टाउन हॉल है, यहाँ पे डाल दिया हम लोगों ने क्वीन को। देखो भाई देखो टाउन हॉल को कितना स्लो डाउन कर दिया है भाई, अभी आपको ऐसे फर्क नजर नहीं आएगा, आपको लगेगा भाई टाउन हॉल मार तो रहा है क्वीन को, कहाँ स्लो डाउन हुआ है। क्वीन की हेल्थ देखो कितनी हेल्थ हुई है, 80% हेल्थ है राइट। अभी बिना फ्रोजन एरो के देखते हैं क्वीन को। अब देखो भाई क्वीन के ऊपर ना फ्रोजन एरो नहीं है, अभी देखो भाई अभी क्वीन की हेल्थ देखो कितनी कम होती है, ठीक है देख रहे हो, अभी हेल्थ देखो भाई क्वीन की स्लो डाउन कर देता है भाई वो डिफेंसेस को और बिल्डिंग्स को। क्वीन की हेल्थ देखो बस तुम लोग, बाप रे 80% हेल्थ थी, 20% गई थी, यहाँ पे 80% गई 20% बची है। तो ये ताकत है भाई फ्रोजन एरो की। फ्रोजन एरो की बात तो हो गई, ये सभी लोगों को मिलेगा, जो लोग इवेंट पास खरीदेंगे नहीं उनको भी मिलेगा, क्योंकि नीचे वाले टीयर के जो फ्री टीयर की रिवॉर्ड्स है ना वो 3100 ड्रैगन मेडल्स है, मतलब मैक्सिमम 3100 मेडल में ही आप लोगों को मिलने वाला है फ्रोजन एरो, लेकिन दूसरा आप लोग कुछ खरीद नहीं पाओगे। लेकिन इवेंट पास खरीदोगे तो फिर भी आपके पास एक्स्ट्रा 5,000 मेडल्स बच जाएंगे, जैसे मेरे पास बचे। उसके साथ आप लोग चाहे तो शाइनी ओर ले सकते हो, या फिर ड्रैगन वार्डन का ये लेजेंडरी हीरो स्किन ले सकते हो, या फिर सारे के सारे ओर्स नीचे देखो आप लोगों को बुक ऑफ हीरो वगैरह वगैरह बहुत सारे मैजिक आइटम्स मिलेंगे, ये भी खरीद सकते हो। उसके बाद भाई साहब बारी आती है न्यू ट्रूप्स की, 2 न्यू सीजनल ट्रूप्स हम लोगों को मिलने वाले हैं, पहला है फायर क्रैकर और दूसरा है भाई अजूरे ड्रैगन। अब देखो भाई इस ड्रैगन को कंपेयर करना पड़ेगा हम लोगों को सुपर ड्रैगन के साथ, क्योंकि इसका और उसका दोनों का हाउसिंग स्पेस सेम है और काम भी लगभग सेम ही करते हैं, लेकिन ये जो ड्रैगन है सुपर ड्रैगन से थोड़ा पावरफुल है। देखो इसका हाउसिंग स्पेस 40, हिट पॉइंट 7600, डैमेज पर सेकंड 502। अभी सुपर ड्रैगन को देखो आप लोग, कहां गया मेरा सुपर ड्रैगन, ये रहा भाई, इसका देख लो 7400, उसका 7600, इसका 7400, डैमेज पर सेकंड उसका 500, इसका 471, बाकी सब कुछ सेम है। ये अपनी फ्लेयर छोड़ता है बस, वो जो ड्रैगन है वो पानी के ऐसे मतलब बबल्स, देखो ना कहाँ गया भाई, बबल्स छोड़ने का काम करता है, देखो भाई बबल से मारता है, देखो पानी के बुलबुले आएंगे अभी सी है ना, लेकिन ये भी सुपर ड्रैगन की तरह ही काम करता है थोड़ा बहुत, लेकिन सुपर ड्रैगन कैसे एक टाइल के आजू बाजू में कोई भी बिल्डिंग्स होंगी तो उनको फ्लेयर उसका डैमेज करता है, लेकिन इसका देखो 2 टाइल के बाद भी अगर कोई बिल्डिंग है तो उसको डैमेज करता है, तो ये सुपर ड्रैगन से भी पावरफुल है। अब ये अजूरे ड्रैगन है कितना पावरफुल, ये तो भाई अटैक करके ही पता चलेगा। इसको भाई सुपर ड्रैगन की तरह हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि है तो ये सुपर ड्रैगन का बड़ा भाई, और ये जो अजूरे ड्रैगन है ना भाई ये उड़ता हुआ बॉलर है, जैसे बॉलर एक बिल्डिंग को फोड़ने का उसका बॉल पीछे वाले बिल्डिंग की तरफ चला जाता है, इसका भी हाल सेम है। देख लो भाई यहाँ पे पहली बिल्डिंग को फोड़ के इसके वाटर बबल्स पीछे वाली बिल्डिंग को भी मारेंगे, वाह 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 मजा ही आ गया दोस्तों, इस्तेमाल करके मजा आ गया। यहाँ पे डालूंगा ऐसे, अब देखो पीछे वाली बिल्डिंग को टारगेट होगा, जेब बात यहाँ पे भी डालूंगा, ये थोड़ा गलत गिर गया, चलो कोई ना, यहाँ पे एक फ्रीज लगा के एक रेज लगाता हूँ। चलो 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 इसकी तरफ आ जाओ भाई, कोई तो आ जाओ, कोई नहीं आ रहा, बलून डालने पड़ेंगे मेरे को। ओके किंग और क्वीन को यहाँ से डालूंगा, अजूरे ड्रैगन यहाँ पे बलून से डाल दूंगा ऐसे, बुढ़ाऊ को डाल दूंगा ऐसे, देखो भाई देखो बड़ा ही पावरफुल है, और ये बहुत लंबा भी है यार, है ना बहुत लंबा है भाई ये। यहाँ पे बुढ़ाऊ की एबिलिटी पॉइजन आ जाएगा, किंग की एबिलिटी एक रेज आ जाएगा,
फ्रीज भी आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे भी एक रेज आएगा। वाह 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 वाह, मजा आ गया। मोनलिथ को क्या ही डाउन करा है भाई अजूरे ड्रैगन्स ने, वेरी नाइस गोइंग। ओके उसके बाद आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे डाल के ये यहाँ पे ऐसे डालूंगा भाई साहब, मारो खत्म कर दो। अरे बाप रे, बहुत भयंकर भाई। यहाँ पे रॉयल चैंपियन वहां को डालूंगा। अभी भी एक फ्रीज है, यहां पे डाल देता हूं। अरे मारो इसको मारो, अरे बाप रे, मारो 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 मारो, कर दे खत्म कर दे अधूरे ड्रैगन। वाह मजा ही आ गया दोस्तों, ये है भाई अजूरे ड्रैगन। और भाई यार इसको ना मेरे को लग रहा है मैंने इसको कहीं देखा हुआ है। कहाँ देखा है पता है? मेरे को लग रहा है कि मैंने इसको पोकेमोन में देखा हुआ है यार। और ये ना दिखने जैसे थोड़ा बहुत उसी पोकेमोन की तरह है, लेजेंडरी पोकेमोन है, पर वो ग्रीन कलर का है। क्या नाम था यार उस पोकेमोन का? आर से था क्या कुछ? रुको, रिक्वारिया एक्वारिया ऐसा कुछ था क्या, याद नहीं आ रहा। पर वो ग्रीन कलर का लेजेंडरी पोकेमोन था, उसकी तरह थोड़ा बहुत दिखता है मेरे को ऐसा लग रहा है। क्या नाम था उसका, याद नहीं आ रहा। ये तो अजूरा ड्रैगन ट्रूप हो गया। एक और ट्रूप फायर क्रैकर करके मिल रहा है। इसका देखो भाई हाउसिंग स्पेस 10 है, हिट पॉइंट 420 डैमेज पर सेकंड। दोस्तों इसका हिट पॉइंट बहुत कम है, डैमेज पर सेकंड अच्छा खासा है। हिट पॉइंट इसका अगर हम लोग देखेंगे ना 290 इसका है, और इसका कितना है 420। विजर्ड का कितना है? विजर्ड का भी 290 है। तो भाई किसके साथ, बलून का कितना है भाई? विजर्ड का आधा हिट पॉइंट है इसका यार, कंपेयर करूँ तो किसके साथ करूँ? वॉल ब्रेकर का 150 है, पर सुपर वॉल ब्रेकर का हिट पॉइंट कितना है? 525। सुपर वॉल ब्रेकर से थोड़ा सा कम हिट पॉइंट है इसका, मतलब सुपर वॉल ब्रेकर का भी हिट पॉइंट इससे ज्यादा है, मतलब समझ रहे हो आप लोग। लेकिन डैमेज पर सेकंड जो है ना इसका, ये है भाई अच्छा खासा। पर इसकी एक खास बात है, ये दूर से मारता है। चलो भाई देखते हैं, आओ भाई इस ट्रूप की भी पावर देख ही लेते हैं। हम लोगों ने देखो भाई रूट राइडर इस्तेमाल करा है, ठीक है, पीछे से चलेंगे अटैक करने के लिए। रूट राइडर डाल के ये थोड़ा पीछे पीछे से डालेंगे हम लोग ऐसे। पर यार इसका ये डबल कैनन ना तो लग रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डालेंगे ये सब कुछ डाल देंगे भाई पीछे से। ओके उसके बाद रेज लगाएंगे यहाँ पे, पॉइजन आ जाएगा सीसी ट्रूप्स के ऊपर। वाह ये काम तो कर रहा है भाई, काफी दूर से मारने का काम करता है। फ्रीज लगाएंगे यहाँ पे भी, एक फ्रीज लगाएंगे। सीसी फट चुकी है हमारी, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि रूट राइडर से। थोड़ा सा आगे बढ़ने दो इनको। यहाँ पे डालेंगे एक रेज, यहाँ पे स्केलेटन, और दूर से डालेंगे भाई इनको। देखो भाई साहब क्या ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक फ्रीज लगा डालेंगे। ओके और क्वीन के ऊपर तो फ्रोजन एरो है, तो भाई साहब सीन है ही नहीं। भाई साहब ब्रोकन लग रहा है भाई मेरे को सच्ची में। भाई अलग लेवल चीज है भाई। स्केलेटन डालो और वेट करो इनके लिए। ओके क्वीन कहाँ मर गई भाई, कैसे मर गई पता नहीं। स्केम्लेटन बचा हुआ है तो वेट करेंगे स्केम्लेटन का। इधर डालेंगे, आरसी डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते। ये देखो इधर डाल देता हूँ मैं इसको। देखो भाई स्केलेटन्स डिस्ट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं, और भाई ये पीछे से मारने का काम कर रहे हैं भाई। किंग को पेल रहे अभी फिलहाल तो ये लोग। चलो तो एक काम करता हूँ, डाल ही देता हूँ भाई आरसी को, बचा के क्या ही करेंगे। देखो भाई काफी ज्यादा दूर से मारने का काम करते हैं भाई। रॉकेट छोड़ते हैं भाई अपने कंधे से, और जैसे ही रॉकेट छोड़ते हैं थोड़ा सा ना पीछे की साइड में पुश हो जाते हैं भाई ये लोग। ये अरे 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 अरे, स्प्रिंग ट्रैप से और जायंट बॉम्ब से तो क्या ही मरेंगे भाई, क्योंकि हिट पॉइंट चिंदी बराबर है भाई, हिट पॉइंट है ही नहीं इनका। ये भी कोई हिट पॉइंट होता है 400-500 का, बहुत ही कम हिट पॉइंट है इनका, और 10 का हाउसिंग स्पेस है इस ट्रूप का। तो आप लोग इस ट्रूप को कैसे इस्तेमाल करना चाहोगे कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों ये होने वाला है हमारे गेम के अंदर ड्रैगन फेस्टिवल लिमिटेड टाइम के लिए, ये सारे ट्रूप्स और ये सारी न्यू करेंसीज होने वाली है, लेकिन परमानेंट होने वाला है फ्रोजन एरो। तो सभी लोग इस्तेमाल करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। तो बस आज के लिए तो फिलहाल इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।